समाजवादी पार्टी की महानगर इकाई ने राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिवहन निगम की बसों के किराए में की गई वृद्धि के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शाने अली सानू के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारे भी बुलंद किए। इस मौके पर जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में अपर नगर मजिस्ट्रेट मनीष चौधरी को एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिवहन निगम की बसों की हालत खस्ताहाल होने के एवं यात्री सुविधाओं पर ध्यान न देने के बजाय 25 पैसे प्रति किलोमीटर की किराया वृद्धि करने के आदेश जारी किए हैं। इस किराया वृद्धि से गरीब और आम जनमानस को नहीं बल्कि प्रदेश के समस्त वासियों को महंगाई का सामना करने को विवश होना पड़ेगा। महानगर के अध्यक्ष शाने अली सानू ने कहा कि देश भर में सबसे अधिक गरीब लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आम इंसान कहा जाता है। यही आम इंसान बसों में सफर करते हैं और इन्हीं की जेब हल्की करने का काम योगी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि आम जनता वैसे भी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है और रोजगार के अभाव में जनता की क्रय शक्ति लगातार घट रही है। ऐसी स्थिति में रोडवेज बस किराया बढ़ाया जाना जन विरोधी कदम है। निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शाने अली सानू ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार गरीबों की जेबों पर डाका डालकर इस पैसे को उद्योगपति अदानी को सौंपने जैसा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि थाने वाली मेनठेर से मुरादाबाद तक का किराया पहले 24 रुपए होता था, अब बढ़कर 46 रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि बस किराए में वृद्धि के बाद अब रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों पर भी दाम बढ़ाए जाएंगे, जिसका सीधा बोझ गरीबों पर ही पड़ेगा। मांग उठाई गई है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण के इस किराया वृद्धि के आदेश को तत्काल वापस लिया जाए और यात्री सुविधाओं को दुरुस्त करने हेतु आदेशित किया जाए। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शाने अली सानू ने बताया, देखिए आज हमने ये जो ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा है माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। हमारी मांग ये है जो सरकार ने 25 पैसे प्रति किलोमीटर बस का किराया बढ़ाया है, उसके हिसाब से दिल्ली तक का किराया 42 रुपये बढ़ेगा और माल भाड़ा बढ़ाया है, तो माल भाड़ा बढ़ाने से और ये लोगों किराया बढ़ाने से एक तो व्यक्ति वैसे ही परेशान है, बेरोजगारी की वजह से और ज़्यादा परेशान होगा, जो घर में रोज़मर्रा की काम आने वाली चीज़ें हैं जब माल भाड़ा बढ़ जाएगा तो वो भी महंगी होंगी। मेरा कहना यह है कि ये जो माल जो किराया बढ़ाया गया है, ये जो अडानी साहब का घोटाला है उसको पूरा करने के लिए बढ़ाया गया है। अडानी साहब को पैसा देते रहो और जनता की जेब से पैसा निकालते रहो, ये सरकार की मंशा है। तो आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये हैं कि इस बढ़े हुए किराए को तुरंत वापस दिया जाए, जिससे आम जनमानस को रिलीफ मिल सके। इस मौके पर यूसुफ खलीफा, तुंगेश यादव, कुलदीप तुरेहा, एडवोकेट फाजिल मलिक, फरीद मलिक, गोविंद प्रजापति, अशोक सैनी, तोकीर सिद्दीकी, मोहम्मद अफनान, अब्दुल बदूद खान, मोहम्मद नईम, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद नू उर्फ शेरू, हारून पाशा, अब्दुल समद, नाजिर यासीन एवं शाहरुख सैफी सहित अनेक सपा नेता व कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।